हिंदी आरोह भाग एक। अप्पू के साथ 2.5 साल। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। सत्यजीत राय के जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सत्यजीत राय का जन्म सन 1981 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पंचाली, बंगला है, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, हिंदी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रो शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि इनको प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए हैं। फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों का ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाइयां प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पेथेर पंचाली बंगला 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विद्या को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में ही अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात यह है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बंगला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा, लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बंगला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सह संसार भी है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्करण पथेर पंचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक सच हमारे सामने आता है, जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बंगला मूल से विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझी पहेली होती है। बनने या ना बन पाने की आशंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है। जो फिल्मकार जन्म लेता है अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान, हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवन बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उसे बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। अप्पू के 2.5 साल। पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका के लिए
6 साल का लड़का मिल नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया। राजबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवाकर यहाँ लाए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके। बोले, असल में मेरी बेटी है, अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का ना मिलने के कारण मैं बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पंचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठकरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह मेरे स्वभाग की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसेट नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं, इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरा होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगन्नाथ द्वात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ गए थे? सारे कासूल बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे कासूल खा डाले। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कम नीति नदारत हो गई। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ी को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक जितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक दिन ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से भी रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था।
ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पंथेर पंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने तीन अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में यह दर्श उस प्रकार से हम चित्रित ना कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिलाती है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान हैं, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतवाला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी ख़त्म हो गए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां पर जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता है। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा सफ़ेद था। आखिर वह फेंका हुआ भात खाने उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में दो अलग 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 कुत्तों से काम लिया। और सिर्फ कुत्तों के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी समस्याएं से पंथेर पंचोली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते थे, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश विचित्र होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसा हाथ आने पर फिर जब हम गांव में शूटिंग के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन करते थे उनका देहांत हो गया। अब पहले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने देश का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसवन से बाहर आता है और अगले शॉट में दो नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके
मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पंचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है, और उस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भाई बहन दौड़ने लगते हैं। उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भगाने के लिए कहना, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट, आप यहाँ धीरज रखने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बतौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा, और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमारी इच्छा के अनुसार शॉट